जैसा न्यूज़पेपर में भी आ गया था और बताया भी गया होगा आपको कि फॉर्म जो है आने वाला है, लेकिन आज 6 तारीख है अभी जब ये वीडियो बन रहा है सुबह के समय, अभी तक एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन का विंडो कोई ओपन दिख नहीं रहा है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे स्टार्ट होगा हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके दिखाने की कोशिश करें। रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, हो गया होगा, अभी जब मैंने ये वीडियो शूट करने के पहले देखा है तो तब तक रजिस्ट्रेशन का कोई लिंक अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। आज 6 मार्च की तारीख हो चुकी है। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस। आप सोच रहे होंगे क्या देख रहा था, ये माइक ऑन है कि नहीं। कभी कभी हम लोग शूट कर डालते हैं पूरा 10-15-20 मिनट, एक बार 1 घंटा का शूट किए थे, बाद में पता चला बंद है, फिर उसके बाद तो समझ दिक्कत हो जाती है, इसलिए चेक कर लिए। ठीक है, चलिए तो अब ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है नीट का फॉर्म। अब जैसा न्यूज़पेपर में भी आ गया था और बताया भी गया होगा आपको कि फॉर्म जो है आने वाला है, लेकिन आज 6 तारीख है अभी जब ये वीडियो बन रहा है सुबह के समय, अभी तक एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन का विंडो कोई ओपन दिख नहीं रहा है। अभी का जो एग्जामिनेशन है वो शायद शाम तक, अभी जैसे देख लीजिए, मान लीजिए वीडियो अपलोड होते होते शाम हो जाती है, 7 तारीख हो जाता है, फिर आप लोग चिल्लाते हो आ गया बकवास कर रहा है आदमी, बकवास नहीं कर रहे हैं, असल में अभी तक नहीं आया है, है ना। तो रजिस्ट्रेशन जैसे स्टार्ट होगा हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करके दिखाने की कोशिश करें। रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है, हो गया होगा, अभी जब मैंने ये वीडियो शूट करने के पहले देखा है तो तब तक रजिस्ट्रेशन का कोई लिंक अभी अवेलेबल नहीं हुआ है। आज 6 मार्च की तारीख हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो नीट का फॉर्म है ये आपको भरना है, सारी चीजें अच्छे से भरिएगा, सारी चीजें अच्छे से फिल करिएगा, अपना कैटेगरी खास करके, इसके अलावा आपका डोमिसाइल कहाँ का है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से फिलअप करनी होती है। अपने स्पेलिंग्स मिस्टेक मत करिएगा बिल्कुल भी जब आप फिल कर रहे हो अपने फॉर्म को। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करें तो पहले दिन ना करें और आखिरी दिन ना करें, इसके अलावा जो बीच का जो टाइम होता है उसमें कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 10 तारीख से 20 तारीख तक का टाइम है फॉर्म भरने का, तो आप 14, 15, 16, 17 को फॉर्म भर लीजिए। शुरू शुरू में और आखिरी आखिरी में फॉर्म भरने के कारण बहुत बार क्या होता है, फॉर्म मिस हो जाता है। एक तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जल्दबाजी में, ऊपर से सर्वर बार बार लोड लेता है, आप कभी कभी टेक्निकल ग्लिच के कारण जो आप सबमिट करते हैं वो सबमिशन पहुंच नहीं पाता है, आपका डेटा इधर उधर हो जाता, बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए पहले और आखिरी दिन को छोड़ करके किसी और दिन फॉर्म फिलअप करने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। और आखिरी दिन तक बिल्कुल मत रुकिएगा, जिस दिन फॉर्म भरिए उसी दिन पेमेंट करिए, पेमेंट का कंफर्मेशन का पेज का स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, आपने जो फॉर्म सबमिट किया उसका प्रिंटआउट रखिए, सॉफ्ट कॉपी रखिए, उसको संभाल कर रखिए ताकि फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस में वो काम आ जाए। जो आप फोटो अपलोड करेंगे वो फोटो ज़रूर फिजिकल कॉपी में आपके पास होनी चाहिए, एज इट इज फोटो होनी चाहिए, ताकि आगे एडमिट कार्ड वगैरह में अगर यूज करना हो तो आप उसको यूज कर सके। ठीक है, सेम फोटो रखेंगे ज्यादा अच्छी बात है। अब ये जो नीट का फॉर्म है ये आज नहीं शुरू होगा तो कल तक शुरू हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा, मैक्सिमम 10 तारीख तक। वैसे न्यूज़पेपर में आ गया था कि आज चालू हो जाएगा लेकिन अभी तक नहीं आया है, हो सकता है शाम तक ये शुरू कर दें। अब ये वीडियो जो है हमारे एडिटिंग वाले भैया कब अपलोड करते हैं उनके ऊपर है, वैसे पहले एडिट वेडिट करेंगे, कुछ थंबनेल हमने डालेंगे, सफ़ेद काला बनाएंगे, कुछ करेंगे, लिखेंगे उसमें हिंदी में अंग्रेजी में कुछ बनाएंगे, उसके बाद फिर डालेंगे, तो उसमें क्या टाइम लग जाता है, इंसान खाना वाना खाएगा आराम आराम करेगा तब ना बनाएगा, तो बना देंगे फिर अपलोड कर देंगे। तो हो सकता है रात हो जाए अपलोड होते होते, लेकिन मैं सुबह बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, दोपहर का समय है अभी तो, अभी बन रहा है तो अभी के बारे में बता दिए, बाकी शाम तक हो जाए तो आ जाए, अच्छी बात है। चलिए तो आज मेरी तरफ से गुड बाय, बस इतनी सी छोटी सी बात बतानी थी। पूरे मोमेंटम कोटा क्लासेस की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली, होली आने वाली है, खूब मस्ती करिएगा, मज़े करिएगा, लेकिन लेकिन अपना ख्याल जरूर रखिएगा, बीमार मत हो जाइएगा। ठीक है, होली मना लो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ हो सके तो घर वर मत जाइए, अगर आप बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं हो सके तो अपने दोस्तों के साथ खेल लीजिए, और 2-3 घंटे एन्जॉय करने से कुछ नहीं होता, अच्छा ही लगेगा, मज़ा आएगा, एक दिन आप थोड़ा रेस्ट ले लो, चिल ले लो, उस पर फिर से पढ़ लो। ठीक है, ये मेरे तरफ से, बाकी आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई ही करनी है तो समय व्यर्थ नहीं करना, वो भी बहुत अच्छी बात है, मैं अपने तरफ से ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। वैसे छोड़ भी दोगे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है होली खेलने की, लेकिन छोड़ दो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आज के लिए बाय, गुड बाय।